मंडी से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत एक युवा हैं। ऐसे में उनको टक्कर देने के लिए एक युवा नेता की आवश्यकता है। ये बात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कही। हिमाचल की 4 लोकसभा और 6 विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में टिकट पर मंथन जारी है। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी दिल्ली दौरे पर थीं। दिल्ली से लौटने के बाद शिमला में मीडिया से बातचीत में प्रतिभा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट के नाम पर चर्चा जारी है। प्रतिभा ने कहा कि मंडी सीट पर विक्रमादित्य सिंह को चुनावी मैदान में उतारने को लेकर पार्टी विचार कर रही है। युवा चेहरा होने का फैक्टर विक्रमादित्य सिंह के साथ भी है, हालांकि अभी नाम फाइनल नहीं हुआ है। क्या बोली प्रतिभा सिंह, सुनिए विस्तार से। देखिए, अभी तो फाइनल नहीं हुआ, चर्चा जरूर हुई इस पे, और सभी का सुझाव था, बिकॉज एज फैक्टर तो है ही है। कंगना इज अ यंग गर्ल, तो शी मस्ट बी 36-37, और विक्रमादित्य भी 34 साल के, तो ज़्यादा मतलब कॉम्पिटिशन में हो तो बराबर उम्र के हो, एनर्जेटिक हो, लोगों को प्रभावित करने वाला व्यक्ति चाहिए जो अच्छा ओरेटर हो, और अच्छा उसके साथ यूथ भी जुड़ता है और आइकॉन है वो यूथ का। सो ये सारे प्लस पॉइंट्स थे जिसकी वजह से सभी नेताओं ने ये सुझाव दिया। हालांकि उनको ये पता है कि मैं सिटिंग मेंबर हूँ, मेरा टिकट काटना इतना आसान नहीं है, बट उन सभी का सुझाव था कि अगर हमारे लिए ये सीट मंडी की बहुत महत्वपूर्ण है जीतना इसमें, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद है बीजेपी के कैंडिडेट के लिए, और वो भी पूरी ताकत से इस इलेक्शन को लड़ने जा रहे हैं, तो इसमें हमारी तरफ से भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, जो हमें लगे कि सबसे बेस्ट कैंडिडेट है उसको ही हमें फील करना। बिकॉज वो भी एक सीनियर लीडर है और अच्छा रुतबा रखती है, उनका भी काफ़ी अच्छा रेपुटेशन है अपने लोगों के बीच में, तो उस पर भी चर्चा हुई है, पर अभी वो नाम तय नहीं हुआ है। कुछ का सुझाव था, उन्होंने सभी ने नोट किया है, सभी ने देखा है कि आपने क्या क्या सुझाव दिए हैं, तो उन्होंने भी सर्वे करवाए होंगे, सर्वे के मुताबिक वो भी जो जिसको सही समझेंगे उसको वो CEC की मीटिंग तक लेके जाएंगे और CEC इसको डिसाइड करेगी कि कौन प्रति। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।